गया में आए दिन बिजली विभाग की लापरवाही सामने आती रही है। दरअसल मामला माड़नपुर गांधी चौक के परफेक्ट साइबर कैफे के बगल में बिजली का पोल खतरे से कम नहीं देखने को नजर आ रहा है। कई जनता का कहना है कि इस झुके हुए पोल के कारण यहां पे पर्यटक विभाग की गाड़ियां भी पार होने में खतरे से खेला जाता है। कब ये पोल जमीन पर गिरेगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसलिए जनता का कहना है कि मैं जिला प्रशासन के साथ साथ गया के नगर आयुक्त एवं बिजली विभाग के कर्मचारियों को ध्यान देने की अधिक सीख जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है। क्या समस्या आ रही है? यहाँ पर जो पोल जो है बहुत जर्जर की स्थिति में है और नीचे झुका हुआ है। कभी भी गाड़ी बस का जाएगा तो खतरा हो सकता है, दम गिरने की स्थिति में है। हर बार रोज दिन प्रत्येक आदमी को तार टूट जाता है, रोज जोड़ाने के लिए मिस्त्री आता है। इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, न कोई इस पर SDO या JE ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर से जनता लोग सब जो है बिल्कुल मतलब कि अस्त व्यस्त है रोज जोड़ाते जोड़ाते तार को। इसलिए इस पर विचार विमर्श करके और JE साहब को दुरुस्त कराने का प्रयास किया जाए। कब से ऐसा स्थिति बना हुआ है? ये करीब करीब 10-15 दिन से है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है? किसी का ध्यान नहीं हो रहा है और जनता लोग हम लोग परेशान है। कभी उसका लाइन कट रहा है, कभी उसका तार टूट रहा है, खुल जाता है, रोज टक्कर आ रहा है टेम्पो से। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम परशुराम प्रसाद है, यहीं पर है, गौतम चौक के पास में हूँ। मेरा यहीं पर मकान है, दुकान है भी। क्या समस्या है यार? यहाँ पर के जो अभी पारंपरिक जो मतलब यहाँ पर स्थिति और विवाद है वो ये है कि ये पोल ज़्यादा झुक गया है। झुक जाने के कारण जितनी भी यहाँ पर विष्णु पर जाने वाले जो पर्यटक गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, वो जब भी जाते हैं तो यहाँ का तार उसके छत में फंस जाती है। और यहाँ कभी भी जो है सो बड़े पैमाने पर जो है सो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम चाहेंगे कि इस पर प्रशासन जो है सो ध्यान दे, और ध्यान दे करके या तो इस पोल को उस साइड में शिफ्ट कर दिया जाए या नहीं तो इसका उचित व्यवस्था जो हो करने की कोशिश करें। परिचय दीजिएगा अपना। अरविंद कुमार, संगम भवन बगल के निवासी हैं।